हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है इससे होम थिएटर को बनाना है, एक बड़ा सा होम थिएटर, जो कि होम थिएटर बोर्ड मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग करके दिखाया। तो उसको आज मैं चला के और पूरा कनेक्शन करके दिखाऊंगा और ये बड़ा सब वूफर को चला के दिखाऊँगा। इस सब वूफर का भी वीडियो मैंने पहले दिखाया था कि मैंने सब वूफर कुछ इस तरीके से तैयार किया हूँ और ये बोर्ड के साथ मैं इस होम थिएटर को चला के दिखाने वाला हूँ फ्रेंड। तो ये हमारा छोटा सा बॉडी, पुराना कवाड़ी का, जो कि हमारे पास एम्पलीफायर का बॉडी था, उस बॉडी में मैं इस बोर्ड को इंस्टॉल करूंगा। सारा सेटअप आपको कनेक्शन बताऊंगा और सारे चीज़ को इसमें इंस्टॉल करके इस बोर्ड को चला के दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, जो इस चैनल पे न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आप देख पाएंगे। इससे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहती है। तो चलिए फ्रेंड, इस बोर्ड में से मैंने वॉल्यूम को निकाल लिया हूँ, जो भी वॉल्यूम थी, ताकि वॉल्यूम मुझे इस एम्पलीफायर के जो यहाँ पे लगी हुई वहाँ पे लगाना पड़ेगी, जिस कारण से यहाँ पे मुझे इसमें से वॉल्यूम निकालना पड़ेगी फ्रेंड। नहीं तो अलग से भी वॉल्यूम आप लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस एम्पलीफायर को निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस एम्पलीफायर में सारे जो भी पार्ट्स हैं मैंने खोल दिए थे। इसमें अब न्यू पार्ट्स जो है मैं इसमें लगा रहा हूँ और इससे ही सारे कनेक्शन को निकालेंगे और होम थिएटर को चलाएँगे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं यूज करूँगा 5 एम्पेयर से 6 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हैं हम। 24-0-24 लगभग इसको, इस बोर्ड को 8 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर चाहिए 24-0-24। तो इसका ट्रांसफार्मर आप बेंडिंग करवा लें किसी और से, आने तो मार्केट में 20-20 का एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर मिलती है, उसको आप यूज कर पाएंगे। 30-55 एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर 5 एम्पेयर 6 एम्पेयर का आ जाती है मार्केट में इजिली 250-300 रुपये के अंदर में। उस ट्रांसफार्मर से भी आप इस बोर्ड को आसानी से बहुत ही अच्छा साउंड ले सकते हैं फ्रेंड। तो ऐसा कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट इस बोर्ड में जो क्लेम किया जाता है 8 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर, वो 8 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो आपको पावरफुल तगड़ा वाली साउंड मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, ट्रांसफार्मर में 3 तार होती है। बीच वाली तार को बीच में जोड़ेंगे। यहाँ 3 पॉइंट यहाँ पर भी दी हुई है। तो ये मेरा ट्रांसफार्मर इसमें पता नहीं चल रही है, लेकिन ट्रांसफार्मर में 3 वायर होती है। जो बीच वाली वायर है उसको बीच वाली पॉइंट में जोड़ेंगे। तो 24-0-24 बीच वाली वायर को 0 बोलते हैं और दोनों साइड को -24 और +24। तो चलिए फ्रेंड, एक तरफ माइनस मिलेगा एक तरफ प्लस, इसलिए यहाँ पर 24-0-24 ट्रांसफार्मर को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे 30-0-30 का भी ट्रांसफार्मर 5 एम्पेयर लगाएंगे ना फ्रेंड, तो 8 एम्पेयर का लगभग काम करेगी। तो 30-0-30 भी इस बोर्ड में आप ट्रांसफार्मर को यूज कर पाएंगे, जिससे कि 40-0-40 यहाँ पे इस बोर्ड में बन जाती है। तो भी मैंने ट्राई करके देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई साउंड में। साउंड थोड़ा सा और अच्छा इम्प्रूव हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, ये बाकी जो वायर है साइड में जोड़ देंगे। जो ट्रांसफार्मर का साइड वायर होगा, बीच में कोई अलग कलर होगा, तो 2 सेम कलर साइड में जुड़ गया, जो अलग कलर है वो बीच में जुड़ जाएगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैंने इसको जोड़ लिया हूँ और फ्रेंड अब मैं आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड वॉल्यूम का जो भी है कनेक्शन, सारे चीज़ को मैं यहाँ पे आपको मैंने खोल के रखा है। तो चलिए फ्रेंड, फ़िलहाल मैं यहाँ पे स्पीकर का जो भी आउटपुट सेक्शन कनेक्शन है यहाँ पे आपको करके दिखाता है फ्रेंड। यहाँ पे 2 स्पीकर के लिए दिया हुआ और एक सबवूफर के लिए दिया हुआ फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर की वायर को फ्रेंड कनेक्ट करते हैं। नेगेटिव को नेगेटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, और इजीली आप यहाँ से छोटा मोटा स्पीकर और अच्छे खासे स्पीकर को यहाँ पे बजा सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है और बहुत ही तगड़े वाली साउंड आपको मिलने वाली है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया हूँ और सबवूफर का भी कनेक्शन आपको करके दिखाता है फ्रेंड। अब चलिए फ्रेंड, यहाँ पे सब वूफर का कनेक्शन है, इसका अलग ही कनेक्शन दिया हुआ, जिससे कि सिर्फ वूफर ही इसमें आवाज़ आएगी सिर्फ बेस, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी साउंड में आपको मिलने वाली फ्रेंड, तगड़ी वाली। तो चलिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे वॉल्यूम के कनेक्शन को करेंगे। यहाँ पे जो भी वॉल्यूम कनेक्शन सेम खुले हैं, सेम कनेक्शन करने फ्रेंड, कोई कन्फ्यूज का कोई बात नहीं। मैंने वहाँ पे वायर भी कटिंग कर लिया हूँ और ये सारे वायर को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं वायर को, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे वायर को इंस्टॉल कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं सबको, उसके बाद सोल्डरिंग करेंगे। चलिए फ्रेंड, हमारा यहाँ लग चुका है और हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेते हैं फ्रेंड सारे ट्रैक को सही तरीके से। उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, हमारा यहाँ सोल्डरिंग हो चुका है और सेकंड आगे वाले वायर को 3 पिन नहीं तो 1 चैनल के लिए कनेक्ट हो चुकी है और सेकंड चैनल के लिए यहाँ पे ब्लैक वायर से कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, जो बाकी बच के इसको लेबल में कटिंग कर लेते हैं और वॉल्यूम में कनेक्शन करेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर ब्लैक वाली वायर को भी सेम कुछ इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा ये भी लग चुका है और इसको भी सोल्डरिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमारा यहाँ सोल्डरिंग हो चुका है, बाकी जो वायर बच जाती है उसको कटिंग कर लेंगे ताकि कहीं पे शॉर्ट ना हो फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे सीबी को क्लीन कर लेंगे थिनर की मदद से। ये हमारा एनसी थिनर है, नॉकपालिश थिनर, जो महिला लोग यूज करते हैं, उस थिनर से पीसीबी को अच्छी तरीके से आप क्लीन कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इस बोर्ड को यहाँ पर लगाते हैं और आपको और भी कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर वॉल्यूम है सेम जैसे मैंने वॉल्यूम से खोला था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर कनेक्शन करेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, यहाँ पहला पॉइंट को पहला में और सेकंड पॉइंट को सेकंड में, थर्ड पॉइंट को थर्ड में। चलिए यहाँ पे कनेक्शन को करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे कनेक्शन करने, जैसा मैंने कनेक्शन को खोले हैं वॉल्यूम का, सेम उसे पॉइंट को करनी है। हो सकता है कि आपका उल्टा कनेक्शन हो जाए, तो उल्टा वॉल्यूम काम करेगी तो उसको आप सीधा कर लीजिएगा। एक थोड़ा सा ये मिस्टेक हो सकती है आपसे, जैसे कि नहीं हो, मेरे साथ हुआ है तभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उल्टा वॉल्यूम काम करेगी तो इसको पिन को चेंज कर देंगे, बीच वाले को बीच में रहने देंगे और साइड वाले पिन से चेंज कर देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, सारे कनेक्शन को करें। तो यहाँ लगभग इतना कनेक्शन हो चुका है फ्रेंड। और चलिए फ्रेंड यहाँ पे मैं अब से लेफ्ट चैनल हो गया, अब राइट चैनल को कनेक्शन कर लेते हैं। कुछ इसी तरीके से कनेक्शन करेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड सारे वॉल्यूम को यहाँ पे लगा लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे सारा कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे करेंगे आप यहाँ पे जो मोबाइल जैक पिन से बजाने के लिए AUX इन और DVD से या कोई भी प्लेयर से बजाने के लिए यहाँ पे इसको कनेक्शन करेंगे फ्रेंड, जिससे कि मैं आसानी से इसको ड्राइव कर पाऊँगा साउंड को। तो चलिए फ्रेंड यहाँ बीच वाले पॉइंट को ग्राउंड मानते हैं, 3 पॉइंट हो गया यहाँ पे आपका। तो बीच वाले पॉइंट में बड़े के लिए वायर को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड ईजिली यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है। पीछे वाली वायर में ब्लैक वाली वायर को कनेक्ट करनी है, ये है हमारा ग्राउंड वायर। इस ग्राउंड वायर को इस बॉडी के ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे फ्रेंड, ये जो पिन है इसके ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट चैनल के लिए 2 वायर को लेंगे, फिलहाल मैं 1 वायर को लिया हूँ जिसको मैंने पहले वाले वायर में पहला पॉइंट में कनेक्ट कर दिया और इसको 1 चैनल में कनेक्ट कर दिया, लेफ्ट या राइट। चलिए फ्रेंड सेकंड वायर को लेते हैं और सेकंड चैनल में कनेक्ट करते हैं, जो कि लास्ट बच गई थी उसमें कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। उसके बाद इसको यहाँ थोड़ी सी लेट लग रही है सोल्डरिंग होने में, तो सोल्डरिंग होने के बाद ये हमारा कनेक्ट हो चुका है और इसको सेकंड वाले चैनल में कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड, जो कि यहाँ नीचे पॉइंट दिख रही है। ये आप यहाँ पर मोबाइल का जैक भी लगा सकते हैं और कुछ DVD वाले सॉकेट भी लगा सकते हैं, जिससे कि होम थिएटर वाला सॉकेट हो, तो उस तरह से भी इसको ड्राइव कर सकते हैं। या आप अपना ब्लूटूथ पैनल भी लगा सकते हैं, तो ब्लूटूथ पैनल में भी ये कनेक्ट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड ये सारे कनेक्शन को बाहर निकाल देते हैं, जो भी बस सबवूफर का है, स्पीकर का है, और सबको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर मैंने कोई लूज कनेक्शन के लिए मैंने कुछ नहीं किया, सीधा से तार निकाल दिया ताकि घर में बजे। तो बहुत ही अच्छा तार में टेप मार के लगा देता हूँ। तार कहीं से खुला नहीं होना चाहिए फ्रेंड, कहीं शॉर्ट हो गई तो प्रॉब्लम कर सकती है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को